हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5, एरिथमिक प्रोग्रेशन। एरिथमिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी भी बोलते हैं कि एपी क्या है। अब एरिथमिक प्रोग्रेशन और एपी है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सीरीज दी होगी। मैं बात करता हूँ कि 1, 2, 3, 5, एक सीरीज हम ले लेते हैं कि 1, 3, 5, 7, दूसरी सीरीज ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। तो ये आपको पता है कि फर्स्ट सीरीज मैंने जो लिखी है वो ओड नंबर की सीरीज है, 1, 3, 5, 7। सेकंड सीरीज लिखी वो मैंने इवन नंबर की सीरीज लिखी है। ऐसा आप कितने ही एग्जांपल ले सकते हैं कि ये सीरीज ये लेनी है, ये सीरीज ये लेनी है। तो अब एपी क्या है, हमारा मेन टारगेट है एपी, एरिथमिक प्रोग्रेशन। तो वो क्या है उसके बारे में समझते हैं कि 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो, एक बात आप ये नोटिस करो कि इसका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, फोर्थ है। तो यहाँ पे सब टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, सब टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। बात करते हैं कि 1 में आप 2 ऐड करो, क्या मिलेगा 3, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 2 ऐड करो 7। सेम वे यहाँ पे 2, 2 में आप 2 ऐड करो 4, 4 में आप 2 ऐड करो 6, 6 में आप 2 ऐड करो तो क्या मिलेगा 8। मींस के मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे सब टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, सब टर्म के बीच का डिफरेंस है इक्वल। सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते कि 500 रुपीज, एक पर्सन है उसकी सैलरी 5000 रुपीज है, हर मंथ पे उसकी सैलरी में 500 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं, हर मंथ पे उसकी सैलरी में 500 रुपीज इंक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ उसको 5000 सैलरी मिलेगी, सेकंड मंथ कितनी मिलेगी 5500, उसके बाद के मंथ में 5600, 5600, वहां पे हर मंथ पे उसको, सॉरी यहाँ पे 6000 हो जाएगा, हर मंथ पे 500 रुपीज इंक्रीज मिल रहे है। तो इस तरह से सीरीज बनेगी, 5000 फर्स्ट मंथ पे, 5500 सेकंड मंथ पे, 6000 थर्ड पे, 6500 फोर्थ पे एंड 7000, इस तरह से एक सीरीज मिलेगी आपको। तो यही सीरीज को हम एपी सीरीज बोलेंगे, यही सीरीज को हम क्या बोलेंगे, एपी सीरीज। मींस कि दो टर्म के बीच का, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, वो डिफरेंस को हम क्या बोलने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस। वो डिफरेंस को हम क्या बोलने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस, और उसको अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट डी से डिनोट करेंगे। स्मॉल डी अगर, कॉमन डिफरेंस अगर सीरीज में इक्वल आता है तो वो सीरीज क्या होगी, एपी सीरीज होगी, एरिथमिक प्रोग्रेशन में सीरीज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस मीन्स कि कॉमन डिफरेंस आपको किसी का भी निकालना है। सपोज मैं D1 निकाल रहा हूं, फर्स्ट दो टर्म का कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये अगर ये A1 है, ये मेरा A2 टर्म है, सेकंड टर्म, ये टर्म A3 है, ये टर्म A4 है, कोई भी सीरीज में इसी तरह से टर्म होगी A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पे D1 क्या मिलेगा मुझे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मींस के A2 माइनस A1, D1 क्या मिलेगा A2 माइनस A1, T2 क्या मिलेगा, तो सिंपली थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म मींस A3 माइनस A2। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि ये सीरीज एपी है या नहीं चेक कर दो, तो हम क्या चेक करेंगे, D1 D2 अगर इक्वल मिलते हैं, मींस के कॉमन डिफरेंस इक्वल मिलता है, तो वो सीरीज क्या होगी, एपी में होगी, वो सीरीज एपी में होगी। अब कोई भी सीरीज को एपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी सीरीज एपी में कब हो सकती है, तो सीरीज का फर्स्ट टर्म होना चाहिए, वो तो हर सीरीज में होगा, एंड कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है, कोई भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो सीरीज एपी सीरीज हो सकती है, चाहे वो फिर जीरो हो तो भी हमें चलेगा, पर कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस समझ में आए। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट
ए टर्म फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एग्जाम्पल वन में आपको क्या बोला है कि एक सीरीज दी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये सीरीज में फर्स्ट टर्म लिखो एंड कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म आप जानते हो क्या है 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स ए टू माइनस ए वन मीन्स 1/2 माइनस 3/2। एलसीएम ले लो 1 - 3/2 तो क्या मिलेगा -2/2 मीन्स -1। तो कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा यहाँ पे -1। तो अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल टू में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर्स ऑफ एपी इफ दे फ्रॉम एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स तो पहले ये सीख लेते कि आपको दो टर्म दिए थर्ड टर्म किस तरह से लिखने हैं। तो अभी तो पहले ये कि कोई भी सीरीज एपी कब होगी जब उसका कॉमन डिफरेंस डी इक्वल है तब वो सीरीज एपी होगी। अब वही सीरीज ले लेते हम फर्स्ट वन ये लिखी थी 1357 वाली। तो ये सीरीज में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म क्या है ए दूसरा टर्म क्या है ए टू मीन्स 3 थर्ड टर्म क्या है 5 एंड फोर्थ टर्म क्या है 7। तो ए मीन्स ए वन ये ए वन और ए दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को ए वन और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म। अब देखो मुझे अगर सेकंड टर्म लिखना है ए टू लिखना है तो क्या होगा ए प्लस डी मीन्स के यहाँ पे डी टू है आप जानते हो 3 - 1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो डी आपका क्या है इस सम में 2 है। तो यहाँ पे ए प्लस डी में कर दूंगा ए कितना है 1 + 2 सेकंड टर्म मिल गया मुझे 3 मीन्स के ए टू इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ ना ए प्लस डी ए 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 2d। आप चेक कर लो ए क्या है 1 + 2 × 2 = 4 + 1 = 5 ए 4 में क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 3d ए मीन्स 1 + 3 = 6 + 1 = 7। तो ये सीरीज इस तरह से जा रही है कुछ ए इज इक्वल टू ए वन ए टू मीन्स ए प्लस डी ए 3 मीन्स ए प्लस 2d ए 4 मीन्स ए प्लस 3d। तो आप इस तरह से आगे जा रहे ए एन तक पहुंच गए ए एन तक। एक बात नोट करो यहाँ पे ए 3 है तो d कितना आया 2d ए 4 है तो क्या आया 3d ए 2 है तो क्या आया d मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर है उससे एक नंबर कम आ रहा है। यहाँ पे चेक कर लो ए 4 में 3d आया ए 3 में 2d आया तो यहाँ पे ए एन में क्या होगा ए प्लस एन से एक नंबर कम एन माइनस 1d एन माइनस 1d। तो ये हमारी कोई भी सीरीज में टर्म फाइंड करने की एपी की फॉर्मूला हो गई ए प्लस एन माइनस 1d एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये हमारी कोई भी सीरीज में नंबर फाइंड करने की फॉर्मूला क्रिएट हो गई है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d एन मीन्स के नंबर ऑफ टर्म कि आपको कौन सा टर्म चाहिए। सपोज मुझे 16 टर्म चाहिए तो ए 16 होगा एन की वैल्यू क्या मिली 16 - 1। अगर आप कोई भी सीरीज में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जानते हो कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जानते हो तो आप कोई भी सीरीज के कोई भी नंबर का किसी भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हो। अब एग्जाम्पल टू देखते हैं यही आपको फॉर्मूला का यूज करना है। एग्जाम्पल टू में आपको बोला है अगर एपी है तो आपको उसको नेक्स्ट टर्म लिखने है। एग्जाम्पल टू फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है 4, 10, 16 and 22 तो D1 चेक कर लेते हम A2 - A1 means 10 - 4 is equal to 6 D2 चेक कर लेते हैं A3 - A2 16 - 10 means 6। आप देख सकते हो D1 और D2 क्या मिले हमें इक्वल मिले therefore ये सीरीज AP है एंड AP अगर AP है तो आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं। कितने टर्म फाइंड करने को बोला है लिस्ट ऑफ द एपी एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स आपको दो टर्म लिखने तो हमें कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना होगा 1, 2, 3, 4 हमें 5 and 6 A5 फाइंड करना है तो A5 क्या होगा आप जानते हो A + 4d A कितना है 4 और D कितना है 6 4 × 6 मीन्स 24 + 4 = 28 और A6 क्या होगा A + 5d means 4 + 5 × 6 = 34 A6 आपको क्या मिलेगा 34। तो इस तरह से आप टर्म फाइंड कर सकते हो। फिर सेकंड में आपको दिया 1 - 1 - 3 - 2 अगर AP है तो आपको नेक्स्ट टर्म इस तरह से फाइंड करने हैं।
अगर एपी सीरीज नहीं है तो बोल देना है नॉट एन एपी, तो आपको टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है 5.1 में कि अगर एपी सीरीज है इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अगर ये एपी सीरीज बना रही है तो आपको लिखना है कि ये एपी सीरीज है और क्यों है। फर्स्ट वन में दिया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट वन। एक टैक्सी ड्राइवर है, ध्यान से सुनो, एक टैक्सी ड्राइवर है वो फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपीज चार्ज कर रहा है, 15, फर्स्ट किलोमीटर के 15, और उसके बाद के हर एक किलोमीटर के लिए कितने चार्ज होगा, 8 रुपीज एड होगा। मींस कि अगर मैं 1 किलोमीटर की मुसाफरी करता हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मुझे कितने रुपीज देने होंगे उसको, 15। अगर मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवलिंग किया तो फर्स्ट किलोमीटर के 15 और दूसरे किलोमीटर के प्लस 8, 15 प्लस 8 मींस 23 रुपीज मुझे चार्ज करने पड़ेंगे। अब उसके बाद 8 आएगा तो 31 और 39, इस तरह से मुझे रुपीज चार्ज करते जाने हैं। फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीज, नेक्स्ट किलोमीटर के 88 रुपीज। तो ये एपी सीरीज होगी या नहीं देख लेते हैं। D1 means A2 minus A1, 23 minus 15 means 8, और D2 means A3 minus A2, 31 minus 23 means 8। तो यहाँ पे D1 और D2 दोनों इक्वल आए, तो ये एपी सीरीज है, ये एपी सीरीज है। फिर सेकंड वन दिया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब थोड़ा सा समझने वाला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब आपको दिया है क्या कि सपोज पहले सिलेंडर का वॉल्यूम वी है, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, वी। अब वैक्यूम पंप से आप वॉल्यूम कम कर रहे हो तो दूसरा वॉल्यूम क्या होगा, जो है उसका 1/4 कम कर रहे हो, मींस 4v minus v upon 4 मींस 3v by 4। तो दूसरा वॉल्यूम क्या होगा, 3v by 4। फिर आप उसका भी 4 कम कर रहे हो, 1/4, 1/4 into 3v by 4, तो क्या मिलेगा आपको, इसका कैलकुलेशन करो, 3v by 16, 12v minus 3v means 9 by 16v। फिर 9 by 16 v का भी 4 आपको कम करना है, 1/4 into 9 by 16v means आपको क्या मिलेगा, 16 4 36 36 minus 9 27 upon 16 64v means कि ये वॉल्यूम आपको इस तरह से मिल रहा है, पहले v था, फिर मिला आपको 3v by 4, फिर मिला 9 by 16v, फिर मिला आपको 27 by 64v। अब आप D1 एंड D2 खुद में खुद फाइंड करो, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये सीरीज एपी है, पर यहाँ पे आपको इक्वल नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा, 3v by 4 minus v 9 by 16v minus 3v by 4, D1 D2 इक्वल मिलने वाले नहीं है, तो ये आपका एपी सीरीज नहीं होगा। थर्ड वन में आपको दिया है The cost of the digging a well after every meter of digging when it costs ₹15 the first meter and rise the 50 rupees for the sub meter। कि एक well वो dig करे, first meter के आपको कितने rupees देने हैं, same way taxi जैसा ही, first meter के आपको 150 देने हैं, फिर 50 rupees next meter के लिए increase करते जाने हैं। तो ये AP series होगी या नहीं check कर लो, D1 find करो, D2 find करो, दोनों क्या मिलेगा आपको, 50 means के equal है, तो ये AP series होगी। उसके बाद दिया द अमाउंट ऑफ द मनी इन ए अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द रुपीज 1000 इज डिपॉजिट, 1000 रुपीज आप डिपॉजिट कर रहे हो, सॉरी 10,000 रुपीज आप डिपॉजिट कर रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और रेट आपको दिया है 8% पर एनम आपको रेट क्या है, 8%, और आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको सबमिट कर रहे हो, तो आपके पास कितने रुपीज होगी। तो यहाँ पे आपकी फॉर्मूला थी P1 प्लस, आप 8 में पढ़ चुके हो, 100 raise to n, तो ये आपको टोटल रुपीज मिलेंगे एक साल के बाद। तो एवरी ईयर 8 रुपीज है, तो फर्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर लो, 10,000 1 प्लस
एट अपॉन हंड्रेड रेस टू वन, फर्स्ट ईयर के लिए होगा, सेकंड ईयर के लिए वन प्लस एट अपॉन हंड्रेड टू, थर्ड के लिए थ्री, फोर के लिए फोर। तो ये आपको जो भी एक सीरीज मिलती है वो सीरीज फिर चेक करना है कि एपी में है या नहीं, मीन्स के डी वन डी टू इक्वल मिल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे भी आपको इक्वल नहीं मिलेंगे, मीन्स कि ये सीरीज एपी नहीं हो सकती। सेकंड आपको बोला है कि फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन, आपको ए एंड डी दिया है तब, ए एंड डी दिया है तब आपको नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड करने है सेकंड वन में। तो सेकंड वन देख लेते हैं, आपको फर्स्ट दिया है ए टेन है डी टेन है, ए टेन दिया है और डी भी टेन दिया है। तो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट वन ए आपके लिए टेन है डी भी टेन है, तो फर्स्ट टर्म तो टेन होगा, ए वन इज इक्वल टू ए मीन्स टेन, ए टू क्या होगा ए प्लस डी मीन्स टेन प्लस टेन ट्वेंटी, ए थ्री क्या होगा ए प्लस टू डी मीन्स टेन प्लस टू इंटू टेन ट्वेंटी प्लस टू मीन्स थर्टी, ए फोर क्या होगा ए प्लस थ्री डी मीन्स टेन प्लस थ्री इंटू टेन मीन्स फोर्टी। तो आपकी एपी सीरीज क्या होगी, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी। फिर सेकंड में दिया है आपको ए माइनस टू है और डी जीरो है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा ए वन इज इक्वल टू ए मीन्स माइनस टू, ए टू क्या होगा ए प्लस डी माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू, ए थ्री क्या होगा ए प्लस टू डी माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो मीन्स माइनस टू, ए फोर क्या होगा ए प्लस थ्री डी माइनस टू प्लस थ्री इंटू जीरो मीन्स माइनस टू। तो आपकी ये सीरीज क्या होगी, एपी सीरीज माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू। थर्ड वन दिया है ए फोर है डी माइनस थ्री है, फोर्थ में ए माइनस वन डी वन बाई टू है, एंड फिफ्थ में माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव माइनस पॉइंट टू फाइव। तो आपको बस इसी तरह से ए वन इज इक्वल टू ए, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, एंड ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस फोर डी, एंड ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यही फॉर्मूला का यूज करके आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं। आगे एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस।